सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इंसान के शरीर में कौन से भागों में तिल का होना उसका क्या मतलब निकलता है, कौन से भाग में कौन सा तिल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र या तो फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपके शरीर में कौन सी जगह पे तिल है उसका सामुद्र शास्त्र और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार क्या मतलब निकलता है। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर आप क्लिक करके हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी कमेंट्स होती है तो इसका ध्यान मुझे नहीं रहता। देखिए, शरीर में एक तरफ से लाल तिल होना ये बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों में काले तिल का होना उसका शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव इसके बताए गए हैं। इसके साथ शरीर में जो मस्से होते हैं उसका प्रभाव भी तिल के बराबरी होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके होठों पे तिल का निशान है तो सामुद्रिक शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। यदि स्त्री हो या पुरुष, उसके होठों के दाई ओर तिल का अगर निशान होता है तो उसका उसके जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्ण रिश्ता होता है और हमेशा बना भी रहता है, उन दोनों के बीच में संबंध भी बेहद रहता है। इसी के विपरीत अगर होठ के बाएं अगर तिल का निशान होता है तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद भी रहता है। अगर निचले होठों पे तिल का निशान होता है यानी कि यहां पर, तो ऐसे लोग खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता भी जल्दी प्राप्त कर लेते हैं जिसके होठों के नीचे यानी कि निचले होठ पर जिसके तिल का निशान होता है। अभी छाती पर इसका क्या प्रभाव रहता है वो मैं आपको बताता हूं। यदि छाती की बाई ओर तिल या तो फिर मसा है तो ऐसे लोगों की शादी ज्यादा उम्र में होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर कामुक भी ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हृदय रोग होने की आशंकाएं भी रहती हैं। अगर छाती की दाई ओर किसी को तिल का निशान बनता है, अगर लाल कलर का अगल तिल है तो उसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अक्सर धनवान होते हैं, उनका जीवन साथी भी बेहद सुंदर एवं योग्य भी होता है। अभी हथेली की बात करते हैं। हथेली में हमारा जो ये अंगूठा होता है उसके नीचे का भाग, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। इस इतना जो भाग होता है अंगूठे के नीचे का, इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है। अगर किसी को शुक्र पर्वत के ऊपर तिल का निशान अगर बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलता को प्राप्त करता है। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भाग्यवान भी होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी हथेली के शुक्र पर्वत पर तिल बनता है। अगर अंगूठे के ऊपर तिल होता है यानी कि दाएं बाएं कोई भी हाथ आप ले ले, अगर अंगूठे के ऊपर तिल का कोई भी निशान बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहे जितना भी काम क्यों ना करे लेकिन उसको यश नहीं मिलता, उसको कीर्ति नहीं मिलती, उसका जो क्रेडिट है वो उसको कम मिलता है या तो नहीं मिलता है। अभी पेट की बात करते हैं। जिन लोगों के पेट के भाग में कहीं पे भी तिल का अगर निशान है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग फूडी बहुत होते हैं, ऐसे लोग खाना ज़्यादा खाते हैं। अगर नाभि की बाई ओर, नाभि जो होती है उसकी बाई ओर अगर किसी को तिल का निशान बनता है तो ऐसे लोगों को उदर रोग यानी कि पेट के रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, परेशानियाँ रहती है थोड़ी पेट से संबंधित। अगर नाभि के नीचे तिल का निशान बनता है तो ऐसे लोगों को यौन रोग होने की संभावनाएं रहती हैं।
अभी माथे की बात करता हूँ कि माथे पे तिलका होना, उसके बारे में क्या बताया गया है। माथे के दाएं या बाईं ओर, लेफ्ट या राइट, कोई भी बाजू अगर किसी को भी तिल का निशान बनता है या तो तिल है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा धन कमाते हैं, खूब धन ये लोग कमाते हैं। लेकिन ये लोग भोग और विलास की वस्तुओं में खर्च भी ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए कई बार ऐसे लोगों को आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, आर्थिक समस्याएं कई बार होती रहती हैं। जिन लोगों को माथे के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी अगर तिल का निशान होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अगर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों का भाग्य उनका संपूर्ण रूप से साथ देता है। यह आपको बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा, बहुत ही कम लोगों को माथे के बीच में तिल का निशान बनता है। और अगर लाल तिल का अगर निशान बनता हो, लाल तिल अगर हो, तो ऐसे लोग समझो कि हज़ारों में एक होते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और आप इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।